Subscribe the Unique Academy's YouTube channel and press the bell icon for latest updates and videos. Hello friends, welcome to the Unique Academy. In today's current affairs decoded session, we are going to discuss about 30th August. This is the summary of the article. जहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंडियन एक्सप्रेस में दिस इज टॉकिंग अबाउट द रीओरिएंटेशन ऑफ चाइना विथ रिस्पेक्ट टू तिबेटियन पॉलिसी. तो ये थोड़ा सा देखेंगे हम लोग. एंड इन द हिंदू देर आर थ्री डिफरेंट न्यूज़. नो बिग आर्टिकल इज टुडे. दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इज टॉकिंग अबाउट मेमोरी ऑफ टी सेल्स. तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जामिनेशन के दृष्टि में बायोलॉजी में टी सेल्स एंड बी सेल्स में क्या फ़र्क है वो हम लोग देखेंगे. अनदर इज़ अबाउट रिसेंट चारधाम प्रोजेक्ट दैट हैज़ बीन बीइंग डन. उसके अगेंस्ट एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने पीएम को एक पिटीशन डाला है. सो वी विल डू द मैपिंग ऑफ चारधाम पर्टिकुलरली. CSIR इज डूइंग सम वर्क रिलेटेड टू ट्रैकिंग द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स इन इट्स ओन कंपनी. उसके बारे में वी विल गो थ्रू द डिटेल्स. जैसे कि आप देखोगे CSIR एज यू आर नोन इज अ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. तो दे आर कंडक्टिंग अ काइंड ऑफ से सर्वे विच विल कीप अ टैप ऑन देयर एम्प्लॉयज अबाउट 10,000 एम्प्लॉयज फॉर द 30 years पीरियड ऑफ टाइम. And they will track different type of body parameters, which will ensure that their health vitals and genes, जैसे कि ये data bank का use करके they will predict the different type of things. जैसे कि अगर आप देख सकते हो कि diabetes या cardiovascular disease, how they are there or what is the onset of these particular things. तो ऐसे type का जो project है that will ensure that middle age या middle class of the India across the country, because CSIR के जो laboratories हैं that are spread across the countries, तो आपको data मिलेगा अलग अलग जगहों से, in particularly the middle class of India. By analyzing this data, you can predict the health related aspects of Indian citizens. Similar project was already being taken in Pune, the KM hospital, which is डूइंग वधु रूरल प्रोग्राम. वधु नाम का एक गाँव है नियर पुणे, विच इज़ ट्रैकिंग द कोहर्ट ऑफ पेशेंट सिंस 2002. सिमिलर प्रोग्राम इज ऑल्सो अंडरगोन इन गुरुग्राम हरियाणा, गर्भिणी जो उसमें दे आर स्पेसिफिकली फोकसिंग अपॉन द प्रेगनेंट वुमन एंड डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ इट टू शोकेस द कॉज ऑफ प्रीटर्म बर्थ. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड रिसर्च दैट इज गोइंग ऑन इन इंडिया. अगर आप देखोगे तो इन रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम देर इज़ अ रिन्यूड एफर्ट्स ऑफ जनरेटिंग हेल्थ रिलेटेड डेटा इन इंडिया. तो आपको याद होगा तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने नेशनल डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किया है. तो आप लोगों को याद है ना नेशनल डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम, तो वो क्या है वो आप मुझे देख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना. मूविंग अहेड, नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर न्यूज़. नाउ ये जो चारधाम प्रोजेक्ट है इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्यू ईयर्स अगो. तो जब ये स्टार्ट हुआ था द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट वॉज दैट अबाउट 900 किलोमीटर्स आर रोडवेज आर देयर एंड दीज आर द फोर पिलग्रिमेज स्टेशन. तो यहाँ पे देखो मैपिंग में जाएंगे हम लोग सब, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ. सो नाउ दीज फोर pilgrim stations are there annually visited by lots of people from across the country. So यहाँ पर जो road connectivity दिया है they want to extend that road connectivity, road का size बढ़ाएंगे. And this road work has been given to Border Road Organization BRO आप सब लोगों को पता ही होगा. And most important thing is that it will ensure different type of things, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पिलग्रिम यहाँ पे पहुँचेंगे तो टूरिज़म विच इज़ द प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी हियर इज़ गोइंग टू हेल्प द इकोनॉमी ऑफ द लोकल्स. सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे बहुत बार ऐसी चीज़ें हो जाती है जिससे डिजास्टर हो जाता है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स या रिसेंटली अगर आपको याद होगा तो केदारनाथ में देयर वॉज अ फ्लड. सो इन दैट टाइप ऑफ सिचुएशन इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू हैव अ गुड
टाइप ऑफ कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कनेक्टिविटी वाला. सो फॉर दैट पर्टिकुलर दे वर डूइंग इट, बट द पॉइंट इज दैट बिकॉज दिस इज गोइंग थ्रू हिमालयन रेंजेस एंड इट्स अ सेंसिटिव इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल जोन, लॉट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट आर सेइंग दैट दिस इज गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट इन एन अराउंड एरिया. और चीज़ें अगर आप इसमें मैपिंग में देखें तो यू विल फाइंड आउट नंदा देवी, इट्स अ प्रोटेक्टेड एरिया हियर. अनदर कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज देयर, इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू कैन फाइंड आउट हियर. जैसे कि आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मसूरी, जहाँ पे आप जाना चाहते हो, नियर डेहराडून विच इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, इट इज़ द हिल लोकेटेड. अदर टाइप ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो देयर, जैसे कि आप देखोगे तो अलकनंदा रिवर इज देयर, भागीरथी रिवर इज देयर, दीज टू ब्रांचेस कम टूगेदर टू फॉर्म गंगा इन द नेक्स्ट रन. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज वेयर दीज टू ब्रांचेस मीट टूगेदर, तो गंगा इज फॉर्म. तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो आपको इस न्यूज के एंगल से देखनी पड़ेगी. तो वाई आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर न्यूज इन डिटेल, बिकॉज वेन एवर यू आर रीडिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम द मैपिंग्स परस्पेक्टिव और स्पेशली फ्रॉम एनी कनेक्शन विद द सिलेबस, यू नीड टू गो थ्रू दीज डिटेल्स एज पर से. तो आप अगर BRO का भी डिटेल देख सकते हो तो दैट विल बी ऑल्सो गुड. दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अबाउट 1960s के टाइम पे. एट दैट टाइम पंडित नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही फोकस्ड ऑन बिल्डिंग ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी दैट विल बी लुकिंग आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, स्पेशली द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज इन द बॉर्डरिंग रीजन्स, स्पेसिफिकली इन द हिली रीजन्स ऑफ हिमालय. तो इसका गठन करने का उनका प्रबोधन था एंड दैट इज द रीजन BRO इज इन डिस्कशन टूडे. तो ये भी एज एन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन UPSC पूछने की संभावना है, तो यू प्लीज टेक केयर ऑफ दैट एंगल ऑल्सो. मूविंग अहेड टू द थर्ड न्यूज ऑफ डे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि द आर्टिकल इज डिस्कसिंग अबाउट कि टी सेल्स हाउ विल रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ द SARS-CoV-2 स्ट्रेन. तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि वॉट इज बी सेल, टी सेल या माइक्रोफेज, या पर्टिकुलरली अगर हम देखोगे वॉट इज इन ह्यूमन्स इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम को अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज, एंटीबॉडीज विद इन आवर ह्यूमन सिस्टम. तो जो सेल्स एंड ऑर्गन्स का नेटवर्क भर के एक साथ काम करता है टू क्रिएट अ डिफेंस अगेंस्ट द एक्सटर्नल इन्फेक्शन. नाउ इन दैट वी विल सी वेरियस टाइप ऑफ सेल्स दैट आर देयर. नाउ बी सेल्स, सो दीज आर एक्चुअली द व्हाइट ब्लड सेल दैट मेक्स एंटीबॉडीज, विच एंटीबॉडीज आर बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस एंड दे सिग्नल्स द अदर सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम टू गेट रीड ऑफ द इन्वेडिंग माइक्रोब्स. टी सेल्स देखो क्या है, दे आर डिजाइन टू रिकोगनाइज द मॉलिकुलर सिग्नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन्स. तो दे विल आइडेंटिफाई कि ये कौन सा प्रोटीन है, मीन्स ये कौन सा बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल दिस, सो दैट इनएक्टिवेट द इम्यून रिस्पॉन्स. सो इट विल ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स, इट विल बी एन अलार्मिंग सिस्टम इन अवर बॉडी दैट विल आइडेंटिफाई कि किस टाइप का इन्फेक्शन बॉडी में एंटर हुआ है एंड इट विल सेट द एक्टिवेट द अलार्म सिस्टम एंड इम्यून रिस्पॉन्स. देन बी सेल विल बी इंट्रोड्यूस एंड दे विल स्टार्ट डूइंग द थिंग्स. ये अगर आप देखोगे माइक्रोफेज, तो दिस इज द फर्स्ट सेल टू रिकोगनाइज द एंड इनकप द फॉरेन सब्सटेंस. इट मे ब्रेक डाउन इन टू द सब्सटेंस एंड प्रिवेंट द स्मॉलर प्रोटीन्स टू दिस थिंग. तो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट मे बी देयर इन यूर एग्जामिनेशन इन द प्रीलिम्स बायोलॉजी के एंगल से बिकॉज ऑफ दिस SARS-CoV-2 एंड COVID-19 सिचुएशन. नाउ कमिंग टू चाइनाज तिबेट पॉलिसी, तो जैसे आप सब लोगों को पता ही होगा कि तिबेट वॉज एन ऑटोनोमस रीजन, बट चाइना हैज सेड सिंस द बिगिनिंग दैट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मेनलैंड चाइना एंड दे एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर पावर बाय देयर मिलिट्री माइट. सो फ्रॉम द चाइनीज परस्पेक्टिव दे हैव सेड दैट
1950 में जो चाइना का टिबेट के ऊपर कंट्रोल डोमिनेंस क्रिएट एस्टैब्लिश हो गया, दैट वाज काइंड ऑफ लिबरेशन ऑफ टिबेटियंस, अ पीसफुल लिबरेशन ऑफ टिबेटियंस फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. बट लॉट ऑफ अदर पीपल, स्पेशली द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडरशिप इन द टिबेट देन, से वी कैन से द दलाई लामा लेड ग्रुप, हैज सेड दैट this was cultural genocide, because they are saying that the culture of Tibet and culture of so-called mainland China is different. In 1950s also, we can say that the Tibetan region was particularly kind of a Buddhist state, whereas China has accepted socialism as its principle, an extreme form of it actually, a communism, where religion has no place in its polity. So how you are going to do it, how the military domination of China over the Tibet should be entered into people's psyche, that is what the Chinese are trying to do, and that's why they are taking education as a tool. And how are they going to do it? So they are going to focus upon political and ideological education of the children, political and ideological education of Tibetan children. So the one they will become a next generation that will look after the Tibet, they will be the followers of Chinese political ideologies, as well as there will be incongruence with the ideologies that are spread in the China. So is accordingly, agar hum log dekhenge, to India ke related this stand is very important, because India has given refuse to Tibetan, also Dalai Lama. They have also found a government of Tibet in exile in India. Dharamshala ke yahan pe unhone banaya hai. So India has always a soft corner for Tibetan refugees. But the official position of Indian government is that we recognize Tibet as part of China. But China has not reflected back on such type of maturity that India shows. If we compare that in what we have agreed with China in Panchashil agreements, Panchashil principle jo hum logon ne accept kiye the, 5 principle jisme mutual recognition ke bare mein baat kiya hai, territorial integrity ke bare mein baat kiya hai, to isko India has shown lot of respect to this Panchashil principle, but which are not getting reflected from the Chinese side. And it is evident since last 3 years practically, जैसे कि अगर आप देखोगे तो 2017 का डोकलाम इशू है, एंड उसके बाद अभी रिपीटेड 2019 एंड 2020 में वी हैव सीन लॉट ऑफ बॉर्डर इंक्रूजन्स एज वेल एज टेंशंस एंड डेथ ऑफ सम सोल्जर्स ऑन द बॉर्डर एरिया. तो आपके लिए यहाँ पे रिसेंट जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुए थे उसमें ढोकलाम वैली का एक डिस्प्यूट हुआ था. तो ये ढोकलाम वैली के यहाँ पे एक रिवर जाता है, उस रिवर का नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना. दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट मैपिंग एरिया इन द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज करंट अफेयर्स डिकोडर सेशन. माय सेल्फ शिवाजी काळे टेक्स योर लीव नाउ. थैंक यू.